हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय होलिस्टिक डाइटिशियन। इस चैनल पर हम डेली हेल्दी टिप्स पर वीडियो शेयर करेंगे एंड डाइट प्लान भी शेयर करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस डाइट किसे बोलते हैं? सबको वही क्वेश्चन आता होगा। सो बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट है जिस पे आपको सब प्रोटीन, कैलोरीज, मिनरल, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ आपको वो डाइट से प्रोवाइड होता है। बैलेंस डाइट जनरली एज अ फॉर्म ऑफ नॉर्मल हेल्दी घर का खाना। बैलेंस डाइट से आपको बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स भी मिलते हैं, सच एज डाइट्री फाइबर्स है, एंटी ऑक्सीडेंट है, उससे अपनी हेल्थ अच्छी होती है। कुछ बैलेंस डाइट के बेनिफिट्स हैं कि हमें बैलेंस डाइट क्यों लेना चाहिए, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। सेकंड, कोई भी डिजेनरेटिव डिसीज़ है तो उससे हमारे प्रिवेंशन करता है। थर्ड, हमारी लाइफ की लॉन्गेविटी इंक्रीज होती है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, एंड कोई भी टाइप का स्ट्रेस होता है, एनजाइटी होता है, तो आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो उससे आपका स्ट्रेस एनजाइटी कम रहता है। सो बेसिक फाइव फूड ग्रुप्स होते हैं, तो वो हम फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे कि फाइव फूड ग्रुप्स क्या होते हैं। फर्स्ट फूड ग्रुप्स है सीरियल, जो इंडिया का स्टेपल फूड्स है। सीरियल्स में सब कुछ राइस, व्हीट फ्लोर, बाजरा, ज्वार, मेज, रागी, पोहा, जो हम सब खाते हैं डेली नीड्स में, वो सीरियल्स में आता है। सीरियल्स की सर्विंग होती है, वन सर्विंग इज इक्वल टू 25 ग्राम। कोई भी सीरियल आप ले सकते हैं, तो पूरे दिन में आप 6 सर्विंग ले सकते हैं सीरियल्स का। सेकंड फूड ग्रुप है प्रोटीन का फूड ग्रुप। तो प्रोटीन जनरली पल्सिस है, दाल है, दूध, अंडा, फिश, मीट, वो सब में से प्रोटीन मिलता है। सो प्रोटीन की नॉर्मल सर्विंग साइज़ होती है, दाल, लेग्यूम्स लेते हैं तो उसकी वन सर्विंग मतलब 25 ग्राम आप ले सकते हैं। मिल्क आपको लेना है पूरे दिन में वन सर्विंग, तो वो 150 ml वन सर्विंग में मिल्क आता है। अंडा वन सर्विंग में एक अंडा आता है, और फिश, मीट एंड पोल्ट्री लेते हैं तो उसका वन सर्विंग इज इक्वल टू 25 to 30 ग्राम होता है। तो पूरे दिन में आप प्रोटीन का सर्विंग 4 to 5 सर्विंग ले सकते हैं। थर्ड फूड ग्रुप्स आता है प्रोटेक्टिव वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो उसमें दो डिवीज़न होते हैं, टू टाइप्स के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं। फर्स्ट प्रोटेक्टिव होते हैं, तो उसमें सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब काइंड्स ऑफ भाजी अपन खाते हैं, येलो वेजिटेबल, फ्रूट्स, वो सब प्रोटेक्टिव वेजिटेबल्स में आता है। उसका वन सर्विंग इज इक्वल टू 50 to 75 ग्राम होता है, तो वो पूरे दिन में आप 2 to 3 सर्विंग्स तक आप ले सकते हैं। एंड सेकेंड ग्रुप में आता है विटामिन सी रिच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो उसमें सब आमला है, ग्वावा, ऑरेंज, स्वीट लाइम्स है, कैप्सिकम, ब्रोकोली, वो सब ये फूड ग्रुप्स में आता है। उसका वन सर्विंग इज इक्वल टू 50 to 75 ग्राम तक आप ले सकते हैं। सो पूरे दिन में आप 1 to 2 सर्विंग ले सकते हैं। फोर्थ फूड ग्रुप्स आता है अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। उसमें जो भी अदर वेजिटेबल्स है, लाइक गॉट्स है, बीन्स, पीस, पटेटोज, ऑनियन, वो सब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आता है। फ्रूट्स में भी बनाना, एप्पल, ये सब अदर फ्रूट्स में आता है। उसका एक सर्विंग इज इक्वल टू 50 to 75 ग्राम होता है। सो पूरे दिन में आप 3 to 4 सर्विंग तक आप ले सकते हैं। फिफ्थ फूड ग्रुप्स में आता है ऑयल, फैट्स एंड शुगर। ऑयल, घी, बटर जो हम यूज़ करते हैं, उसका वन सर्विंग इज इक्वल टू 5 ग्राम होता है। सो पूरे दिन में आप 4 to 5 सर्विंग ऑयल, घी, बटर कोई भी टाइप में आप यूज़ कर सकते हैं। आइदर आप कुक करते तब डाल सकते हैं, या ऊपर से थोड़ा घी लगा के खा सकते हैं, बट मिनिमम सर्विंग पूरे दिन में 4 तक ही होना चाहिए। एंड शुगर एंड जैगरी, तो उसका भी वन सर्विंग 5 ग्राम होता है, तो आप पूरे दिन में 2 to 3 सर्विंग शुगर या जैगरी ले सकते हैं। हमने लास्ट में बैलेंस डाइट का
एक दिया है ऑप्शन कि हेल्दी बैलेंस डाइट का डाइट प्लान दिया है। सो जनरली सुबह में उठते हैं तो थोड़ा गर्म पानी पीना है, लुक वार्म वाटर। सो उससे आपका बॉडी का जो भी टॉक्सिन है वो क्लियर आउट हो जाता है, और किसी किसी को ब्लोथिंग इशू रहता है, स्टमक पेन होता है, तो वो सब कम होता है। देन ब्रेकफास्ट दिया है, तो ब्रेकफास्ट में हमने ओट्स दिया है मिल्क के साथ। तो ओट्स में जनरली फाइबर होता है, तो उससे आपका वेट लॉस में हेल्प करता है। लॉन्ग टाइम तक आपका स्टमक फुल रहता है, और किसी को लाइक बैड कोलेस्ट्रॉल है तो वो भी ओट्स से बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। फिर मिड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट एंड लंच के बिटवीन आपको एप्पल लेना है, 1 एप्पल। सो जनरली फ्रूट्स खाते हैं तो डायबिटीज सब कंट्रोल में रहता है, वेट लॉस होता है। एंड फिर लंच दिया है, लंच नॉर्मल रखा है, मल्टीग्रेन रोटी 1 to 2, वेज सब्जी 1 बाउल, एंड दही दिया है 1 बाउल, और साथ में सैलड दिया है। तो ये क्या हेल्दी प्रॉपर प्लेट दी है, तो उससे आपका वेट भी अच्छे से बैलेंस में रहेगा और भूख भी आपको लॉन्ग टाइम तक नहीं लगेंगी। आफ्टर 1 आवर ऑफ लंच हमने ग्रीन टी दिया है, तो ग्रीन टी में जनरली क्या फ्लेवोनॉइड्स ज़्यादा होता है, तो उससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, वेट लॉस में हेल्प करता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। देन शाम को हमने नट्स दिया है, नट्स में लाइक बादाम है, अखरोट है, काजू, पिस्ता, वो आप हैंडफुल ले सकते हैं। तो नट्स में अच्छा प्रोटीन मिलता है, विटामिन एंड मिनरल्स बॉडी को रिक्वायरमेंट में नीड पूरी करता है। डिनर में हमने मूंग दाल का चिल्ला दिया है 1 to 2, वो आप चटनी के साथ खा सकते हैं। सो उससे क्या डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा और वेट लॉस में हेल्प करता है। और सोने से पहले जीरे का पानी दिया है, तो जीरे का पानी से आपका एसिडिटी, ब्लोटिंग इश्यू होता है वो कम होता है, और इनडाइजेशन का इश्यू होता है तो वो भी आपका कम होता है, इनडाइजेशन इश्यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन ये वीडियो सुनने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इफ़ आपको इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरीज ले डाल सकते हैं, और इफ़ आपको कोई टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको कुछ समझना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक भी आप लिख सकते हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग वीडियो नेक्स्ट हम बना सकें। थैंक यू सो मच।